हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इलास्ट्रेशन 5 करेंगे जो आपको पेज नंबर 294 पे दिया गया है। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं सर डेप्रिसिएशन कराओ जी, डोंट वरी, इसके बाद मैं डेप्रिसिएशन के ही आपको सारे इलास्ट्रेशन करा दूंगा। यहाँ पर टोटल 4 अकाउंट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला हर बार मैं बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बैड डेब्ट्स एट न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। थोड़ा मैं स्पीड में इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो पिछले वीडियो है वहाँ पर मैंने बहुत ही एकदम डीप में जाके एक्सप्लेन किया गया है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अभी काफ़ी मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड में जाएगा वरना क्या वीडियो लंबा होगा, आप लोग को ये बोरिंग फील होता रहेगा कि सर क्या एक ही बार चीज़ एकदम स्लोली पढ़ा रहे। इसके लिए मैं थोड़ा क्विकली जाऊँगा। तो चलो माय डियर स्टूडेंट, आप भी हाथ में बुक्स और पेंसिल फॉर्मेट बना के रेडी रहो, साथ में मिलके सम सॉल्व करते हैं। इलास्ट्रेशन 5 क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ, यहाँ पर क्या दिया है, ओमकार, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट बनाना है। जैसा आप सभी को पता ही है, सबसे पहले यहाँ पर आपको डेबिट बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले डेटर कहाँ जाता है, असेट साइड, तो यहाँ पर ए लिख दो। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, ये सारा असेट्स में जाएगा तो डेबिट में, तो डेबिट साइड। परचेस कहाँ जाएगा, डेबिट में, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न क्या होगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, क्लियर है। लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, सेल्स, मतलब सेल्स में से लेस करना है। बी फॉर बैड डेब्ट्स कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। देखो रेंट रेट एंड टैक्सेस भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। काफ़ी सारे बच्चे इन्वेस्टमेंट सोच के असेट साइड लिख देते हैं, जिन्हें इंश्योरेंस दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑफिस इक्विपमेंट कहाँ जाएगा, असेट्स, क्योंकि ऑफिस के जो भी इक्विपमेंट रहेगा अपने लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगी। ऑफिस मतलब फर्नीचर एंड फिक्स्चर भी कहाँ चला जाएगा, असेट्स में। कैश एट अ बैंक कहाँ जाएगा, असेट्स में। लीगल एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। लीगल चार्जेस मैंने बताया था, वकील को जो पैसा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, लीगल एक्सपेंस या तो लीगल चार्जेस बोलते हैं। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है, दलाली, वो भी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ड्रॉइंग कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कौन सी साइड चला जाएगा, डेबिट साइड, क्योंकि आपको पता ही है डेबिट साइड है तो डेबिट साइड ही जाएगा, तो भी आपके लिए मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पर कौन सी है, DR चला जाएगा। वेजिस कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। देखो कोल गैस वाटर फ्यूल ये भी कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। मशीनरी कहाँ चला जाएगा, असेट्स, क्योंकि कोल गैस वाटर फ्यूल भी कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। मशीनरी कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा, क्लियर। अभी क्रेडिट साइड, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा, क्लियर है। वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सेल्स कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की। कौन सी साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में। अभी रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होगा, लेस फ्रॉम किस में से हो जाएगा, ये परचेज में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्लियर है। लेस फ्रॉम क्या लिख दिया मैंने, परचेज लिख दिया। डिविडेंड रिसीव कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, क्यों, डिविडेंड रिसीव याद करो, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आ जाएगा, क्लियर है। क्रेडिटर लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, आरडीडी, ये कौन सा आरडीडी दिया गया है, ओल्ड आरडीडी दिया गया है, क्लियर। ये क्या होगा, लेस, किस में से लेस हो जाएगा, बैड डेब्ट्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स को मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ, परचेस को स्टार कर दूँ, सेल्स को क्यों, अरे तुम परचेस को क्यों, क्यों परचेस में से क्या लेस करना है, रिटर्न आउटवर्ड लेस होगा, सेल्स में से क्या लेस होगा, सेल्स रिटर्न क्या होगा, लेस होगा। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, स्टार कर दिया। अभी इसके दूसरे पेज पे आपको एडजस्टमेंट दिया है। क्लोजिंग स्टॉक तो सबको पता ही है, फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे चला जाएगा, क्लियर है। रिटर्न ऑफ 1200 बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना बोल रहे, 2%, मतलब ये दोनों डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो डेटर को कितने स्टार कर दूँ, 2 स्टार। क्यों सर 2 स्टार करें, क्योंकि पहला बैड डेब्ट्स लेस होगा, उसके बाद 2% आरटीडी भी लेस होगा। आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, क्यों, क्योंकि पैसा पे करना है तो अपने लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। लीगल एक्सपेंस और वेजिस को क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ, तो कहाँ गया ये लीगल एक्सपेंस और ये वेजिस, दोनों को क्या कर दिया मैंने, स्टार, स्टार कर दिया, मतलब अमाउंट कहाँ लिखना है, इनर में लिख के क्या करना है, 3 लाइन छोड़ देना है, क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 2.5%, मशीनरी कितना बोल रहे हैं, 5%। तो ऑफिस इक्विपमेंट, सॉरी ये फर्नीचर को स्टार नहीं है, यहाँ पर कहाँ गया ऑफिस इक्विपमेंट, अरे सॉरी ऑफिस इक्विपमेंट और कहाँ गया मशीनरी, तो ये रहा मशीनरी, क्लियर है। मशीनरी को भी मैं क्या कर दूँ, ऑफिस इक्विपमेंट को, सॉरी
फर्नीचर एंड फिक्सचर को स्टार नहीं है, तो आपको यहाँ पर स्टार करना नहीं है, क्लियर है, थोड़ा गलती से हो गया है। ऑफिस इक्विपमेंट असेट साइड चला जाएगा, फर्नीचर को स्टार नहीं तो डायरेक्ट आउटर में, और मशीनरी को स्टार है तो इनर में लिख के तीन लाइन छोड़ देना है। अरे आप सभी को पता है डेप्रिसिएशन ऐड होता है कि लेस होता है, लेस होगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी साइड चला जाएगा, ये डेबिट साइड, क्लियर है। अभी प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिया है 900, इंश्योरेंस में से क्या होगा, प्रीपेड ऐड होता है कि लेस होता है, लेस होता है। और किसी को पहले से ही पैसा पे कर दिया, कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा, क्लियर है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँगा, क्लियर है। मैं चाहूँ आप इतना तो अच्छे से लिख सकते हो, ऑलरेडी मैंने ये लिख दिया है आपका, अगर मैं दिखा सकूँ यहाँ पर तो देखो सारा चीज़ मैंने लिख दिया है। जैसे परचेज में से परचेज रिटर्न लेस होगा, मतलब रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं उसको, सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस, वेजिस को स्टार है तो इनर में लिख के तीन लाइन छोड़ दिया। बैड डेब्ट्स को स्टार है क्योंकि बैड डेब्ट्स को अगर देखोगे यहाँ पर, ये ओल्ड आरडीटी किसमें से लेस होता है, बैड डेब्ट्स में से लेस होगा तो बैड डेब्ट्स को स्टार किया, मतलब बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला बैड डेब्ट्स एट न्यू बैड डेब्ट्स न्यू आरडीटी लेस ओल्ड आरडीटी। इंश्योरेंस को स्टार है तो इनर में, लीगल एक्सपेंस को स्टार है तो इनर में, डिविडेंड रिसीव कहाँ गया, क्रेडिट में। अगर आपने ये कैपिटल अकाउंट बनाया रहेगा तो कहाँ आता है, कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ड्रॉइंग का आ जाएगा, यहाँ पर टू ड्रॉइंग आ जाएगा। देखो यहाँ पर दिया ही आपको 3000 रुपीज़, क्लियर है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो क्रेडिटर लाइबिलिटी में, क्योंकि यहाँ पर लाइन इसके लिए छोड़ते क्योंकि ये वाला बैलेंस यहाँ पर आता है, क्लियर है। डेटर को 2 स्टार तो 5 लाइन, ऑफिस इक्विपमेंट को 1 स्टार है तो 3 लाइन, जैसा मैंने बताया था। फर्नीचर को स्टार नहीं तो डायरेक्ट आउटर में चला जाएगा, मशीनरी को स्टार है तो इनर में लिख के 3 लाइन छोड़ देना है, क्लियर है। आप भी लिख लीजिए साथ में मिलके, एडजस्टमेंट करते हैं। वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कितना दिया गया है, 42,000 दिया है। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना आ जाएगा, 42,000 रुपीज़ आ जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। देखो मशीनरी को स्टार है तो मशीनरी के नीचे 3 लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूँ, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना आ जाएगा, 42,000 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। रिटर्न ऑफ क्या बोल रहे हैं, 1,200 एज ए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है बैड डेब्ट्स दिया गया है, तो डेटर में से पहले लेस क्या इतना करना है, 1,200 रुपीज़ लेस करना है, तो यहाँ पर लेस क्या आ जाएगा, लेस बैड डेब्ट्स अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,200 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर। अगर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 43,800 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अगर माइनस कर दिया, सेकेंड इफेक्ट ये बैड डेब्ट्स का कहाँ जाएगा, यहाँ पर हमने लिखा था बैड डेब्ट्स एट न्यू बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,200 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आरडीडी कितना बोल रहे दिया, यहाँ पर 2% दिया गया है डेटर हुए, तो डेटर में से और कितना लेस करना है, 2% मुझे क्या करना है लेस, तो लेस यहाँ पर आ जाएगा RDD एट द रेट कितना दिया गया है, 2% मुझे दिया गया है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर ब्रैकेट करूँ, 43,800 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन कितना हो गया 100, 0 0 कैंसिल, 8 2 जा कितना होता है 16, एक ऊपर चलेगा 3 2 जा कितना होगा 6 और 1 7, 4 2 जा 8, तो आंसर कितना है 876 आपको आंसर आएगा। माइनस करेंगे तो आंसर आपको आ जाएगा 42,924 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। एक तो क्या लेस कर दिया मैंने, RDD यहाँ से क्या कर दिया, लेस कर दिया। अगर सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 872 मुझे दिया गया है, क्लियर, 876 मुझे दिया गया, मतलब ये 1200 600 और ये सबको क्या कर दूंगा, यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अगर सबको ऐड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 2676 मुझे आंसर आएगा, क्लियर है। अगर सबको ऐड करेंगे तो, अगर देखो ये आंसर आया, माइनस कितना करना है 1200, तो आपको आंसर आ जाएगा 1476 आपको आउटर में आंसर आएगा, क्योंकि ये सबको ऐड करके इसको क्या करना है, माइनस कर देना है, तो मैंने क्या कर दिया, कर दिया। मतलब बैड डेब्ट्स वाला भी हो गया, आरडीडी वाला भी हो गया, सेकंड इफेक्ट ऐड न्यू बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी हो गया। आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस कितना दिया गया, 750, और वेजेस कितना दिया गया, 225 दिया गया। तो आउटस्टैंडिंग पहले लीगल एक्सपेंस ऐड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा आउट स्टैंडिंग में क्या लिखूँ, लीगल एक्सपेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस अमाउंट कितना दिया गया है, 750 दिया गया। इसको ऐड करेंगे तो आउटर में कितना आंसर आएगा, 3750 मुझे आंसर आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर वेजेस कितना दिया गया है, 225, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग में क्या लिखूँगा, वेजेस अमाउंट कितना ऐड करना है, 225 मुझे क्या करना है, ऐड करना है। अगर इसको ऐड करेंगे 5, ये कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 का 5 7 हो जाएगा, 2 2 कितना होगा 4, और ये कितना चला गया अपने लिए 2,
तो आंसर कितना है 2475 मुझे क्या होगा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। और आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ आउटस्टैंडिंग, पहला क्या दिया गया है मुझे लीगल एक्सपेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा लीगल एक्सपेंस। अभी दोनों अमाउंट को क्या करो एक साथ में ही ऐड करके मैं आउटर में लिखता हूँ, ये 750 हो गया और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग तो लिखा है, यहाँ पर डैश करके मैं क्या लिख दूँ वेजेस भी मैं क्या करूँ लिख दूँ, मतलब आउटस्टैंडिंग पहला लीगल एक्सपेंस और वेजेस, वेजेस कितना दिया गया है 225 दिया गया है, दोनों को ऐड करें तो आउटर में कितना आ जाएगा 975 मुझे आंसर आ जाएगा, क्लियर है। दोनों को ऐड करके मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग ऐड, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। अभी चार्ज डेप्रिशिएशन ऑफिस इक्विपमेंट पे कितना बोल रहे हैं, यहाँ पर 2.5% बोला गया है और मशीनरी पे कितना दिया गया है 5%। तो मैंने बताया देखो ये 2.5% है तो अपॉन में कितना था 100, यहाँ पर 25 अपॉन क्या लिख दूँ मैं डायरेक्ट 1000 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट हटाना है तो नीचे क्या हो जाएगा एक जीरो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहला किसका दिया ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट में से क्या होगा लेस डेप्रिशिएशन, तो यहाँ पर आ जाएगा लेस डेप्रीशिएशन एक दर 2.5% आ जाएगा। तो ये कितना है 42,900 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन कितना हो गया ये 1000, एक दो तीन एक सॉरी दो ही जीरो क्या होगा लेस होगा, एक जीरो तो यहाँ पर ऐसे ही बचा रहेगा। अभी करना क्या, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1073 मुझे आंसर आ जाएगा। अगर आपको मैं यहाँ पर कैलसी में करके बताऊँ तो ये कितना है 429 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 25, तो आंसर कितना आया 1072। अभी डिवाइड बाय कितना करना है मुझे 10, तो आंसर कितना आएगा 107। अब देखो पॉइंट है तो यहाँ पर क्या करो एक राउंड फिगर हो जाएगा, 107.5 है तो ये कितना हो जाएगा 72 है, तो इतना कितना चला गया 3 चला गया, तो एक राउंड फिगर करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये इसमें से क्या करना है माइनस करना है, तो आपको आउटर में आंसर आ जाएगा 41,827 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। डेप्रीशिएशन लेस कर दिया, अभी मशीनरी का कितना दिया गया है 5%, तो मशीनरी में से भी कितना लेस हो जाएगा 5%, तो लेस यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन एक द रेट कितना आ जाएगा 5% आपको आंसर आ जाएगा। तो ये 12,000 का कितना निकालूँ मैं 5%, तो 5/100 00 कैंसिल, अभी 12 फाइजा कितना होता है 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 600, तो आउटर में आंसर 11,400 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। डेप्रिशिएशन की सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, तो यहाँ पर क्या लिखूँ 2 डेप्रिशिएशन, पहला किसका लिखना है मुझे ये ऑफिस इक्विपमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट, क्लियर है। इक्विपमेंट कितना दिया गया है 1073 आ गया, और यहाँ पर मशीनरी का कितना आया था 600 रुपीज़ आ गया था, क्लियर है। इन दोनों को ऐड करूँ तो 1673 आपको टोटल मुझे आ गया, क्लियर है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिया गया है 900 रुपीज़ दिया गया है प्रीपेड, देखो प्रीपेड ऐड होता है कि लेस होता है, प्रीपेड ऑलवेज क्या होता है लेस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीपेड में क्या लिखूँ इंश्योरेंस लिखूँ, कितना दिया गया है 900 रुपीज़ दिया गया है। अरे 2400 में से अगर मैं 900 माइनस करूँ तो आंसर कितना आ जाएगा आउटर में 1500 रुपये आ जाएगा, क्लियर है। और प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट कहाँ आता है बैलेंस शीट की, कहाँ आ जाएगा असेट साइड, असेट साइड पर यहाँ पर मैं लिख दूँ प्रीपेड क्या लिखूँ इंश्योरेंस, अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 900 रुपीज़ क्या होगा आ जाएगा, क्योंकि प्रीपेड कितना किया है 900 रुपीज़ किया गया है, तो यहाँ सॉरी कहाँ गया प्रीपेड 900, तो यहाँ पर भी आउटर में भी कितना आ जाएगा 900 रुपीज़ आ जाएगा। सारी चीज़ें हमने अच्छे से कर दी, बारी आई टैली की माय डियर स्टूडेंट, तो चलो मिल के साथ में टैली स्टार्ट कर दे। टैली स्टार्ट करते समय आपको हाथ में पेंसिल लेना चाहिए, तो चलो आप भी पेंसिल लीजिए, हम साथ में मिलकर टैली करते हैं। अगर आप टैली करोगे तो ये साइड का टोटल आपको आंसर आ जाएगा 68,625 आ जाएगा, क्लियर। अगर सेम एज ए क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो आपको आंसर आएगा 101,700 आ जाएगा, क्लियर। अभी तुम बताओ कौन सा साइड ज़्यादा है, 101,000 यही साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 1,01,700 आ जाएगा, यहाँ पर भी सेम 1,01,700 माइनस कितना करना है मुझे ये 68,625 माइनस करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा 33,075 आंसर। इसको क्या बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोला जाता है कैरीड डाउन बोला जाएगा, ये कहाँ आया डेबिट में, तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में, तो यहाँ पर आएगा तो क्या लिखेंगे बाय ग्रॉस
प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आंसर आ जाएगा 33,000 कितना आया था, 075 आपको आंसर आ जाएगा। अभी सारा अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड का टोटल करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 14,969। क्लियर, आप अगर पेंसिल से करना आपको आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे क्रेडिट साइड का करेंगे तो ये 33 प्लस कितना हो गया 325 मुझे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो यही साइड ज़्यादा है क्योंकि 35,000 है और यहाँ पर कितना है 14,000, तो यहाँ पर दोनों साइड कितना आ जाएगा, यहाँ पर 35,000 और 325, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 35,325 आ जाएगा। माइनस कितना करना है मुझे, ये 14,000 करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा 20,356 आंसर आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, टू नेट प्रॉफिट क्या लिखा जाएगा, फाइंड कर रहे तो सीडी आएगा, ये कहाँ आया डेबिट में तो कहाँ चला गया क्रेडिट में, तो यहाँ पर आएगा तो क्या लिखेगा, बाय नेट प्रॉफिट क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन रहेगा, अमाउंट कितना आया था 20,356 आया था। अभी यही साइड ज़्यादा है तो ये देखो ना, 1,00,000 कितना हो जाएगा 40,356 आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1,40,356। माइनस कितना करना है, ये 3,000 माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा 1,40,000 माइनस 3 करेंगे तो 1,37,356 आंसर है। ये क्या बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो ये क्या रहेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन रहेगा। क्लियर है, अगर आपने ये कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल लिखना पड़ेगा। कैपिटल कितना लिखा था, 1,20,000, उसमें ऐड क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट है, तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ऐड क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आया था 20,350, मतलब हम यही लिख रहे, देखो इन दोनों को टोटल किया तो आंसर कितना है 1,40,356। माइनस कितना करना है, लेस क्या लेस करते हैं, ड्राइंग क्या करते हैं, हम लेस करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ड्राइंग कितना दिया गया 3,000, तो अल्टीमेटली हम आंसर कितना लिखेंगे 1,37,350 से। आप तो ये मेथड करो, ये मेथड दोनों सेम ही, अगर इसका टोटल करोगे तो आपको आंसर आएगा 1,99,319। यहाँ पर भी अगर इसका टोटल करोगे तो 1,99,839 आ जाएगा। क्लियर है, सॉरी 1,90,000 मतलब 1,99,831 आपको आंसर आ जाएगा। दोनों साइड का टोटल अपना राइट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।